हेलो हेलो। हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, सीएससी से बात कर रही थी। हाँ मैडम, जी, आप आधार की सर्विसेज लेना चाहते थे सर, तो अभी आपको डिटेल्स वगैरह शेयर करवा दूं मैं इसी नंबर पे। कैसे करना पड़ेगा मैम, तब मिलेगा वो? जी देखिए सर, उसके लिए क्या होता है, आधार सर्विसेज के लिए आप अपडेशन देन करेक्शन दोनों चीजें कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, आपका नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर, फिंगरप्रिंट, ठीक है, सारा जो भी अपडेशन एंड करेक्शन होता है ना, वो सारी चीजें कर सकते हैं। देन आपको 60 डेज का वेट करना पड़ेगा न्यू आधार कार्ड के लिए। अगर आप अपडेशन का काम अच्छे से करते हैं तो गवर्नमेंट की टीम आपकी शॉप पर विजिट करती है, देन आपको न्यू आधार कार्ड बनाने का अप्रूवल दे देती है सर। ठीक है, आप बायोमेट्रिक देन ओटीपी दोनों के थ्रू इसका अपडेशन एंड करेक्शन कर सकते हैं। कंपनी जी से बोल रहे हो मैडम? सर, मैं इथिकल सॉफ्टवेयर से बात कर रही हूँ। देन यहाँ पोर्टल का नाम है कॉमन सुविधा सेंटर, न्यू दिल्ली, हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ, नियर संसद भवन से, 202 ऑफिस नंबर है हमारा। अच्छा, जी, इसके लिए कॉमन सर, जी बोलिए। सर्विस सेंटर का यूट्यूब में सर्च मार रहा हूँ तो फ्राइड है बोल रहे मैडम आप लोग को? सर्विस सेंटर नहीं, सुविधा सेंटर। सर्विस सेंटर में आपको एग्जाम देना पड़ती है सर। दो पोर्टल चलते हैं गवर्नमेंट के, एक सर्विस सेंटर होता है, एक सुविधा सेंटर होता है। सर्विस हाँ सेंटर में सर वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, देन एग्जाम देना पड़ती है। एग्जाम क्वालिफाई करते हैं ना आप, अगर पास होते हैं तो वो आपको आईडी, पासवर्ड देन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो लेंदी प्रोसेस होती है, किसी क्लाइंट के पास टाइम है, किसी क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए सर, हाँ, गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि एक और पोर्टल बनाया कि अगर किसी क्लाइंट के पास टाइम नहीं है एग्जाम देने का, वो पास नहीं हो पाता है, तो उसको डॉक्यूमेंट वगैरह से, उनका डॉक्यूमेंट के थ्रू वेरिफिकेशन होता है सर, देन यहाँ से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग में वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं सर। अच्छा, नहीं मैडम, मैं यूट्यूब में सर्च मारा ना, क्या बोले, जी कामन सुविधा सेंटर का, के जी तो उसमें दिखा रहा है कि ये लोग पूरा टीम फ्रॉड का टीम है और फोन लगाते हैं आप में से लड़कियां और लोगों को गुमराह करते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, ऐसा दिखा रहा है यूट्यूब में, देखो सर्च मारना। देखिए देखिए सर, सुनिए, हाँ आपको मैडम, भी पता है कि सारी चीजें अभी क्या क्या चल रही है बाहर, ठीक है। अब ठीक है, देन आपको क्या पता है, आप भी अगर कोई ऑफिस खोलते हैं, ठीक है, हाँ आपने भी बहुत सारे एम्प्लॉय रखे होंगे, अगर बाय मिस्टेक आपसे किसी से कुछ होता है, कहा सुनी होती है, हाँ ठीक है, तो वो आपकी कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ तो फ्रॉड करते हैं कि सही यार इनका क्लाइंट, इनकी कंपनी अच्छी नहीं है या ऐसा है, ठीक है। बात, अगर आपको भी पता, अगर हम फ्रॉड करते हैं तो गवर्नमेंट, यूट्यूब है वो, तो सोशल मीडिया आएगी, वहां से जल्दी साइबर क्राइम वाले सर्च कर लेते, इतनी देर लगती नहीं, अभी तक तो कभी से कंपनी बंद हो जाती, ठीक हाँ है। अगर कुछ अच्छा काम तो चल रहा होगा जब ही तो, क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई भी वीडियो बना के डाल सकता है, ये तो आपको भी पता है। एक वीडियो का, अगर आप एक भी वीडियो सर्च करेंगे, कुछ भी सीएससी की नहीं, कुछ भी वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो कितनी चीजें आती है उसमें, हाँ ठीक है। आपने वो वाली वीडियो देखी, उसके अलावा भी देखी ना, जिसपे क्लाइंट उन काम करते हैं अच्छा रिस्पॉन्स देगा। जैसे यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं मैडम, जी तो रायपुर में किसी को दिया होगा कामन सुविधा सेंटर? देखिए, ऑल इंडिया में दिए हैं, बट देखिए सर, किसी के आईडी, पासवर्ड वगैरह या ऐसी प्राइवेट चीजें ना प्रोवाइड नहीं की जाती। जैसे आप मेरे क्लाइंट बने, तो मैं भी आपकी भी चीज किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ है सर, ठीक है। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर भी गवर्नमेंट का सर्विस है मैडम, लेकिन ना उसके साइड में जी पूरा लिस्ट है कि कौन कौन से गांव में नहीं, कहां कहां आप मुझे आपका पिन एरिया बता दीजिए, कहाँ पे पहुंचे। आप रहते हैंगे, मैं चेक करके आपको बता देती हूँ कि सीएससी में अभी वहां पर कितनी चीजें चल रही है, ठीक है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, जैसे सीएससी है उसमें दिखाता है ऑनलाइन, तो आपका जो जी जो कॉमन सुविधा सेंटर है वो फ्रॉड है ना, इसीलिए इसमें बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आप मुझे आपका पिन एरिया बताइए कि आप कहाँ से रहते हैं, मैं बताती हूँ वहाँ कितने सीएससी की चल वो तो रहा मैं है। खुद ही सर्च मार लूंगा मैडम, मेरे को आता है, आपका कॉमन सुविधा सेंटर का कोई आदमी है तो बताओ, उससे बात करूंगा मैं, सीएससी ठीक है, मैं आपको, का हाँ, एक बार मैं उसमें नंबर निकाल के आपको रायपुर के जो क्लाइंट हैंगे हमारे, उनका नंबर आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, आप उनसे बात करके एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। जानता पहली हूँ। बात तो दिया नहीं जाता है, पर आप बोल रहे हो कि सर फ्रॉड है, तो आपको कंफर्म करने के लिए, ट्रस्ट दिलाने के लिए, मैं क्लाइंट का नंबर प्रोवाइड करवा देती हूँ, आप उनसे सारी चीजें कंफर्म कर लीजिए, देन आप मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है। अभी बता दो, मैं दूसरे नंबर से कॉल कर लूंगा उसको। ठीक है, मैं आपको होल्ड पे रीजिए, मैं नंबर निकाल लेती हूँ सिस्टम पे से, ठीक है। ठीक है। ओके। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें।
The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने हेलो हाँ मैम हेलो हाँ मैम बोलिए जी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैडम जी सर क्या जानना चाह रहे थे आप आप देखो मैम ऐसे बदल बदल के बात करोगे तो मैं तो यही समझूंगा ना कि आप फ्रॉड हो जी जी आपकी बात समझ सकते हैं सर ऐसा कोई इश्यू नहीं है सर एक्चुअली क्या होता है आपको भी पता है सेमी गवर्नमेंट कंपनी तो किसी भी कस्टमर की प्राइवेसी डिस्क्लोज करना वो नहीं है ना सर हमारे अंडर में नहीं आता आप सरकारी हो कि सी बना रहे लोगों को क्या सर सरकारी हो कि वाकई में लोगों को सर ये सेमी गवर्नमेंट है सर है ना सेमी गवर्नमेंट मतलब क्या होता है मैडम सेमी गवर्नमेंट मतलब होता है सर कि जो गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज होती है ना मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में भी आती है और प्राइवेट सेक्टर में भी आती है मतलब प्राइवेट जो डायरेक्टर्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू अथोराइज रहते हैं ना और गवर्नमेंट के थ्रू अथोराइज होती है वो कंपनी गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है तब जाके वो अपने अंडर में कुछ भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस आप भी जानते हैं ना जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं पैन कार्ड बनाना आधार कार्ड ये सब गवर्नमेंट सर्विस होती है जब तक इसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है गवर्नमेंट अथोराइज नहीं करती किसी भी कंपनी को तब तक वो आगे नहीं कर सकती प्राइवेटली नहीं जा सकती है ना उसको गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में ही जाना होता है हाँ बट यही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसे कि आपने सुना होगा कॉमन सर्विस सेंटर एग्जाम क्वालिफाई करके होता है क्योंकि टोटली गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में आता है बट हमारा कॉमन सर्विस सेंटर ये प्राइवेट सेक्टर के सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में अंदर में आता है ना मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में भी तो कुछ जो रूल्स है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर के हम लोगों ने मतलब जो कंपनी के रूल्स होते हैं उन्होंने डायरेक्टर ने अपने अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं जैसे कि आपको एग्जाम नहीं देना होगा है ना डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बेसिस पे होगा क्योंकि हर इंसान के लिए सर एग्जाम क्वालिफाई करने इजी नहीं होता है और सेकंड चीज ये होता है कि बहुत से लोग करना चाहते हैं बट नहीं हो पाता किसी भी इशू की वजह से है ना सिचुएशन हो जाती है कंडीशन हो जाती है इसलिए है ना एकदम सही बोल मैडम जी सर तो मैं उसको ये बोल रहा था मैडम कि मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ यहाँ से हाँ तो रायपुर में अगर किसी को दिए हो आप कामन सुविधा सेंटर उससे बात कराओ मेरे को या फिर उसका नंबर तो बोल रहा हूँ नंबर तो डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते बट आपको एड्रेस बताया जा सकता है आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं बताओ मैम एड्रेस बताओ उसे जाके मिल लूंगा मैं जी शॉप नंबर 13 वी सावरकर नगर हीरापुर कॉलोनी तो ये तो कॉमन सुविधा सेंटर है मैडम हाँ तो कॉमन सुविधा सेंटर ही तो सर हमारा है ना नहीं नहीं वो तो सीएससी दिखा रहा है ना इसमें तो सर्च मार रहा हूँ तो हाँ तो सीएससी कॉमन सुविधा सेंटर सर है ना सीएससी का मतलब होता है मैडम कॉमन सर्विस सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर अभी मैंने आपको बताया सर वो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है कॉमन सर्विस सेंटर है बताओ ना आप कॉमन सुविधा सेंटर में किसी बंदे का नंबर दो ना भैया जो नंबर दे रहे हो तो सीएससी वाले का नंबर मत दो मेरे को आप कॉमन सुविधा सेंटर जो आप जिस कंपनी से बोल रहे हो ना सेमी बरबट्टी उसका नंबर जी जी उसी का नंबर सर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका नंबर नहीं है ना मैं सर्च मार रहा हूँ ऑनलाइन हूँ मैं अभी सिस्टम में हूँ मैं हाँ जो आप नंबर बता रहे हो सीएससी का है वो मेरे को आप चाहिए कॉमन सुविधा सेंटर वाले का नंबर चाहिए द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड प्लीज स्टे ऑन द लाइन आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है कृपया हेलो हाँ मैम
सर एक्चुअली क्या किसी के नंबर प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो मुझे इसके बारे में अपने सीनियर से बात करनी होगी ना। अगर वो अलाउड करते तो मैं आपको 10 से 15 मिनट में कॉल बैक करके उनके नंबर प्रोवाइड करवा दूंगी, है ना। मत दो मैम, नंबर मत दो, यकीन हो गया मुझे कि आप लोग फ्रॉड हो, है ना, उसकी कोई ओके नहीं है। हाँ मैम, ओके सर, नो इशू, थैंक यू सर, हैव अ नाइस। क्या मिलता है मैम आप लोग?